नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनआई आवाज में और मैं हूँ पलक गुप्ता। आमागढ़ विवाद मामला अब थम गया है क्योंकि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो भी चैलेंज लिया था वो पूरा कर लिया है। उनका पहला चैलेंज था कि आमागढ़ किले पर वो झंडा फहराएंगे, जो कि उन्होंने पूरा किया। और दूसरा चैलेंज था कि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जो भोलेनाथ का मंदिर आंबागढ़ फोर्ट में है। तो गोलमा देवी आज सुबह 9 बजे सैकड़ों भक्तों के साथ आंबागढ़ किला पहुंची है। कुछ भी कहने या देखने से पहले मैं चाहूंगी कि आप उनका ये वीडियो देखें जब वो सुबह 9 बजे आंबागढ़ किला पहुंच गई थी अपने भक्तों के साथ। राजस्थान के कद्दावर नेताओं में शुमार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो भी बोलते हैं वो करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं। आमागढ़ ध्वज पताका विवाद में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा की एक और बड़ी जीत हुई है। आमागढ़ किले में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना करने की इजाजत उन्हें मिल चुकी है। मीणा समाज सहित सर्व समाज अब कर सकेगा भोले बाबा का अभिषेक। ध्वज पताका विवाद के चलते पुलिस प्रशासन में मंदिर में पूजा अर्चना करने से मना कर दिया था और पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी थी। आमागढ़ मंदिर खोलने के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और ये 3 दिन का अल्टीमेटम आज समाप्त होना था, लेकिन उससे पहले ही आज मंदिर का ताला खुल गया है और पूरे मीणा समाज में इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है इस वक्त में। इसी पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जन भावना का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है और ये भी कहा है कि वो जैसे ही जयपुर लौटेंगे, जयपुर आते ही सबसे पहले आंबागढ़ किला पहुंचेंगे और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना चैलेंज पूरा कर दुर्ग पर फहराया था मीन समाज का झंडा। पुलिस को गच्चा देकर पहाड़ी पर चढ़े थे, 3 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय किया था। पुलिस को चकमा देकर पीछे के रास्ते से वो चढ़े थे। पुलिस ने किरोड़ीलाल मीणा को झंडा फहराने के बाद गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद से राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी विरोध हुआ था और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस प्रशासन को रिहा करना पड़ा था, यहाँ तक कि खुद पुलिस कमिश्नर को जाना पड़ा था विद्याधर नगर थाना। और अब पूजा अर्चना करने की इजाजत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मिल चुकी है और इस वक्त उनके समर्थकों में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि आंबागढ़ विवाद मामले में जीत तो मीणा समाज की हुई है, लेकिन इस विवाद के बहुत से सियासी मायने भी निकाले गए हैं। एक तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि रामकेश मीणा हिंदू और हिंदुओं को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आंबागढ़ फोर्ट जाकर मीणा समाज का झंडा फहराया तो रामकेश मीणा उनके सपोर्ट में उतरे और उन्होंने ये कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, उन्होंने झंडा फहराया है मीणा समाज का, वो किला मीणा समाज का है और सालों से उन्हीं का किला रहा है, वहां पर भगवा ध्वज किसी और समाज के लोगों ने फहरा दिया जो कि गलत था और उसी को हटाया गया था। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कहना था कि रामकेश मीणा का वहां जाकर ध्वज हटाना, उस तरह से ध्वज का अपमान करना, हिंदू और हिंदू संगठन को लड़वाना, ये बेहद ही गलत और निंदनीय है। हालांकि इस विवाद के बहुत से राजनीतिक मायने निकाले गए, बहुत से सियासी मायने निकाले गए, लेकिन अब एक तरह से देखा जाए तो पूरे मीणा समुदाय की जीत हुई है क्योंकि सरकार ने मांगे मान ली है और सरकार ने मंदिर का ताला खोल दिया है, पूजन करने की इजाजत दे दी है। लेकिन अब क्या होता है, क्या वो मंदिर खुला रहेगा या फिर सरकार ने सिर्फ उनको थोड़े वक्त के लिए मंदिर खोल कर खुश किया है और दोबारा मंदिर पर ताला लग जाएगा, क्या आगे आने वाले वक्त में होता है, आपको पल पल की अपडेट्स देंगे टीएनआई आवाज पर। नमस्कार। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे, सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम आपकी आवाज के साथ, टीएनआई आवाज।